3-4 महीने ये पॉलिश चलेगी, और हाँ सीरियसली 3-4 महीने चलेगी। सो इसमें एग्जॉस्ट लग चुके हैं दोनों साइड, और इसको स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। हेलो गाइस, दिस इज मी नॉन स्टॉप सनी, और कल आपने देखा था स्ट्रीट ट्रिपल का वीडियो, और जिसमें सुपर बाइक्स आपको काफ़ी दिख रही थी कि बाइकर स्टोर पे सुपर बाइक्स का काम चल रहा था। तो अभी हमारे पास एक हमारी 650 सेगमेंट की बाइक आई है। कौन सी आई है? वो बहुत ही अनोखी बाइक है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी फेमस है और इंडिया मेड इंडिया भी है। तो चलो सबसे पहले आपको यहाँ पर उसके एग्जॉस्ट दिखा देते हैं। ये न्यू एग्जॉस्ट आए हैं, MK रेसिंग के एग्जॉस्ट हैं, और यहाँ पर बाइक है, और हमारे भाई को बधाई हो ब्रांड न्यू बाइक की। तो चलो बाइक दिखाता हूँ, डुकाटी गाड़ी है, इसमें नहीं हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है काम। चलो तो आपको ये GT का स्टॉक साउंड सुनवाता हूँ, और 2024 का मॉडल है ये, देखो 24 मॉडल में स्टॉक है ये। सो एग्जॉस्ट इंस्टॉल हो चुके हैं दोनों, और एक और यहाँ पे लग रहा है, और इनमें ऐसा रहता है कि जो स्टॉक रहती है ये क्लिप, ये इस साइड वाली उस साइड हो जाती है, उस साइड वाली इस साइड होती है, जब भी आप आफ्टर मार्केट में एग्जॉस्ट डालते हो। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट है ये लेफ्ट वाली राइट में, राइट वाली लेफ्ट में जाएगी जब भी आफ्टर मार्केट के एग्जॉस्ट होंगे। आफ्टर मार्केट मीन्स ऐसा नहीं, कुछ लोग ज्ञान देने लगे कि आफ्टर मार्केट जो भैया आपके रेड रूस्टर आते हैं, गुरसेवक आते हैं, और मोटो टॉर्क आते हैं, बैरल आते हैं, MK रेसिंग जितने भी आते हैं, उनको आफ्टर मार्केट ही एग्जॉस्ट बोला जाता है। वरना लोग ये बोलें कि अरे इनने तो आफ्टर मार्केट में डाल दिया। तो आफ्टर मार्केट का मतलब ये होता है कि स्टॉक के अलावा जो भी हो वो आफ्टर मार्केट, भले ही वो कितना भी महंगा हो और कंपनी कोई सी भी हो। सो इसमें एग्जॉस्ट लग चुके हैं दोनों साइड, और इसको स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो आप पहले इसका नॉर्मली नोट लो, और अब यहाँ पे आप तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ 5000 RPM तक। इसके ऊपर जाएगा 5 के ऊपर, यहाँ पे क्या होता है 7000 RPM के बाद ऑटोमेटिक कट होता है इंजन से, तो ये उसका वो रहती है। तो अभी इससे ज़्यादा बेस किसी में नहीं है, और लाउडनेस दोनों ऐसे एग्जॉस्ट में। तो ये है हमारे जो एग्जॉस्ट हैं, ये MK रेसिंग के हैं, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ, इसमें बेस भी है और लाउडनेस भी है, दोनों ही हैं। तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे मोटो टॉर्क और गुरसेवक दोनों का कॉम्बिनेशन से ये एग्जॉस्ट है, और समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को साउंड में। तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और आज कौन कौन आएगा हमारे यहाँ बाइकर स्टोर, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल तो यहाँ क्रेश भाई की बाइक में काम चल रहा है कुछ छोटा मोटा, और क्या काम होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो GT के एग्जॉस्ट तो हो चुके हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल, शाम तक में हमारे यहाँ जो भी आएंगे हम सबको आज आपसे मीट करवाएंगे। एक चीज़ भूल गए थे वो दिखाते हैं, दोनों साइड लगाओ, इस तरफ भी लगाओ। तो यहाँ पे ये DB कलर भी है, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया था कि इसमें DB कलर भी है साउंड को कम करने के लिए। हाथ में जला लेना, तो मैं आपको DB कलर में साउंड सुनवाता हूँ। Thank you.
स्टॉक जैसा हो जाता है। तो डीबी कलर के बाद एग्जॉस्ट जो है आपका ऑलमोस्ट स्टॉक जैसा हो जाता है कि आपको कहीं जाना है, जैसे लॉन्ग पे जाना है, और कभी कभार होता है ना कि बार बार दिमाग में इतनी तेज साउंड आ रहा है, तो उसके लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप डीबी कलर लगाओ और अपनी राइड पे जाओ। हालांकि मुझे तो लाउड पसंद है, जितना ज़्यादा लाउड हो उतना ज़्यादा मुझे पसंद है। तो मैंने यहाँ पे अपनी बाइक पे SC का लगा के रखा हूँ, SC प्रोजेक्ट, ये देख सकते हो आप। और अरे आप ही की टाइम यहाँ पे रील देखने मिल जाएगी इनके अकाउंट पे, और चलो तो यूट्यूब अकाउंट पे। तो यश भाई आए हैं और एक DSP भाई भी आए हैं हमारे यहाँ, DSP जबलपुर राइडर्स के नाम से आप जिनको जानते हो। तो वहाँ वो उनका शूट चल रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइकर स्टोर में जो भी आएगा उनसे मिलवाऊंगा। और यहाँ तो देख सकते हो सेलिब्रिटी आए हैं हमारे यहाँ। तो ये डुकाटी है और ये निंजा है, जैसा कि बताया हूँ। और बाकी एसेसरीज तो पता है, इनकी बाइक में भी कुछ कुछ लोड करेंगे। और अभी एयर फिल्टर लगाएंगे, देखते हैं BMC DNA या फिर स्प्रिंट का कौन सा लगता है। और ये भाई भी आए, इनकी बाइक यहाँ पे ये खड़ी हुई है, और क्लाइमेट राइडर नाम है इनके, है ना, ये अकाउंट से इनने चैनल बनाया है। और इनकी बाइक में भी क्या लगना है, लीवर प्रोटेक्टर लगना, मैं भूल गया था। तो लीवर प्रोटेक्टर इनकी बाइक में लगना है, और बाकी देखते हैं क्या होता है बाकी बाइक्स में। और हमारी जो टेनार है वो तो यहाँ खड़ी है, जैसा कि ये देखो, आज हमें बाहर मिली है जगह, और ये है। चलो तो जो भी आएगा आज आपको उनसे मिलवाएंगे। और यश भाई को एक बाइक की केयर के लिए यहाँ पॉलिश चाहिए था, जो कि हमने अपने पुराने ब्लॉग पे डाला भी था, तो ये वाला पॉलिश इनकी बाइक के लिए हमने सजेस्ट किया है कि परचेज। तो ये देख सकते हो 150 रुपये में आपको ऐसी ज़बरदस्त पॉलिश मिलेगी, कम से कम 3-4 महीने ये पॉलिश चलेगी। और हाँ सीरियसली 3-4 महीने चलेगी, यश भाई के जैसे गोरे होना है तो ये लगाओ, ये चेहरे की चमक करा। चलो भाई।